नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा देहरादून से आ रही है। केंद्रीय मंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे जौलीग्रांट। जी हां, अमित शाह कुछ ही देर में जौलीग्रांट पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री के आगमन के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए जौलीग्रांट पहुंचे मुख्यमंत्री। जी हां, मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय में हमारे गृह मंत्री जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हो चुके हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री के आगमन के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए जौलीग्रांट पहुंचे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा देहरादून से, राजपुर विधायक खजान दास और डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद हैं। राजधानी पहुंचकर करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव पटवाल जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि वहां पर इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है। जी वैभव, क्या कुछ माहौल वहां पर बना है, जिस तरह से गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, अपडेट क्या है, जरा विस्तार से बताइए। नैना, जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह का देहरादून का उत्तराखंड का एक दौरा है यहाँ पर आज, तो जिससे वो कुछ ही समय में यहाँ पर जौलीग्रांट पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट पर, जहाँ पर बीजेपी के जो सभी आला नेता हैं, जो भी बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनके स्वागत के लिए। कुछ ही क्षणों में जो है केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद वो 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल बंदू स्कूल के ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहाँ पर वो सारी योजना समेत कई विभागों की योजनाओं का यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही साथ एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर की गई है? जी, काफी बड़े जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे दिल्ली के राज्यसभा सांसद हों, चाहे केंद्र के जो भी कुछ नेता यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जो उनके स्वागत में यहाँ पर तैयारियों में जुटे थे, और साथ ही उनके स्वागत के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। वही कार्यक्रम स्थल में भी काफी यहाँ पर चकाचौंध। जी, तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या वहां पे इंतजाम किए गए हैं और कब तक पहुंचने की जो है संभावना जताई जा रही है? धन्यवाद वैभव हमें जानकारी देने के लिए। बाकी की अपडेट्स के लिए हम जुड़े रहेंगे लगातार आपके साथ। तो इस वक्त जैसा कि हमें पता चल चुका है कि जौलीग्रांट कुछ ही समय में जो है गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही थी वो हम आपको बता चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कुछ ही देर में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो अपने आगे के कार्यक्रम करेंगे।